खबर बालाघाट जिले के कटंगी से। अस्पताल के सामने हड़ताल पर बैठी नर्सें। सरकारी अस्पताल कटंगी परिसर में शनिवार को विकास खंड कटंगी के स्टाफ नर्सों ने हड़ताल पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 1 जुलाई से विकास खंड कटंगी की सभी स्टाफ नर्सेस प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन के आह्वान पर 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गई हैं। कटंगी में स्टाफ नर्स श्रीमती रजनी शुक्ला, गंगा सागर वासनिक, हेमलता नेवारे, अर्चना पटले, उषा देशमुख, रश्मि चौधरी, मालतन पटले, नीलम तुरकर, प्रतीक्षा डहरवाल, रीना पारधी, मोनिका भुजाड़े हड़ताल पर बैठी हुई है। इन नर्सों ने बताया कि जब तक सरकार प्रदेश स्तर सहित विकास खंड स्तर पर बैठी स्टाफ नर्स की सभी 12 मांगों को पूरा नहीं करती, जब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। इन नर्सों के हड़ताल पर जाने से सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है, जहां स्टाफ नर्सेस सेकंड ग्रेड उच्च स्तरीय वेतनमान दिया जाने 2004 के बाद नियुक्त स्टाफ नर्सों के लिए पुरानी पेंशन योजना दिए जाने, कोरोना काल में मृत हुए नर्सिंग स्टाफ के स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, प्रतिनियुक्ति समाप्त कर स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू किए जाने, नर्सेस को उच्च शिक्षा हेतु आयु बंधन हटाए जाने, मेल नर्स को समान अवसर दिए जाने, कोरोना काल में अस्थायी रूप से भर्ती नर्सेस को नियमित किए जाने, एक ही विभाग में कार्यरत नर्सेस को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने सहित नर्सेस की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग की गई है। खबर भारत न्यूज के लिए कटंगी से मनीष चौकसे की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए खबर भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें पंकज डहरवाल, कॉन्टैक्ट नंबर 9826564928। कार्यालय का पता, प्रेस मीडिया कार्यालय, तिरोड़ा रोड, खैरलांजी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।